यहाँ पे पहुँचे हुए ललन कॉम्प्लेक्स के पास और यहाँ पे परिवार के साथ है, अपने संगठन के साथ है। मोदी 2024 में बनाना है, भारतीय जनता पार्टी लड़े, गठबंधन लड़े, जो हो, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ही लड़ने की कभी जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के स्वागत में दरौंदा के विधायक, बीजेपी के जो विधायक है करणजीत सिंह और ब्यास सिंह, आप देख सकते हैं अपने तमाम समर्थकों को लेकर के यहां पे पहुंचे हुए ललन कॉम्प्लेक्स के पास, और यहां पे ये तमाम लोग यहां पे सम्राट चौधरी के स्वागत में लगे हुए हैं। करणजीत सिंह और ब्यास सिंह जो बीजेपी के विधायक है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के, और यहाँ पे तमाम अपने समर्थकों के साथ देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं ऊपर कैमरा करके, इतनी ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ के साथ ये स्वागत करने के लिए जुटे हुए हैं। और सम्राट चौधरी बस थोड़ी देर में आएंगे और ये लोग यानी कि ब्यास सिंह, करणजीत सिंह उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे और उसके बाद टाउन हॉल में लेकर के जाएंगे। हम बात करते हैं ब्यास जी से, क्या कुछ तैयारी आप लोग की सम्राट चौधरी जा रहे हैं? देखिए पूरा सिवान जिला भगवामय हो गया है। इस रूट में जहाँ से शुरू होता है वहाँ नहीं, पटना से देख लीजिएगा सिवान तक कहीं ऐसा जगह, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत के लिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए खड़े नहीं है, जागरूक नहीं है। बैंड बाजा के साथ, ढोल ताशा के साथ पूरा जिला भगवामय हो गया है। ब्यास जी, देखा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार जी से आप लोग जब अलग हुए हैं तो पूरी तरीके से आप लोगों ने ताकत झोंक दी। नहीं, पूरी तरीके से, बुरी तरीके से, पूरा ताकत की इसमें क्या बात है, ये तो जनता की ताकत है। जनता बता रही है कि देख लीजिए कि आपका जो ठगबंधन का सरकार, जो लाठीमार सरकार है, वो जो सरकार अब नहीं चलेगा, उसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। जनता एकदम तत्पर है, एकदम जागरूक है, जाग चुकी है जनता। यह माना जाए कि आज सम्राट जी आ रहे हैं टाउन हॉल से, महागठबंधन को जवाब भी दिया जाएगा 2024 का भी चुनाव है। जवाब जनता देगी, जवाब बैलेट से दिया जाता है। हम लोग लाठी वाले थोड़े हैं, लठ मार थोड़े हैं। हम लोग अपराध और अपराधी के को लेकर चलने वाले नहीं हैं। हम लोग ना अपराध को सहन करते हैं, ना अपराधी को हम लोग साथ रखते हैं। इसलिए जनता जवाब देगी अपने बैलेट से, अपने मत से, अपने मताधिकार से जवाब देगी। इस कार्यक्रम का मकसद क्या है जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं? माननीय सम्राट चौधरी जी, हम लोग के जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं सीमान की धरती पर, देश रत्न राजेंद्र बाबू की धरती पर, मौलाना मजदूर साहब की धरती पर पहली बार आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आज स्वागत के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग रोड पे हैं, सब लोग पूरे अपने भगवा को लेके सब लोग आ गए हैं पूरे जिले के। क्या लग रहा है कि कार्यक्रम यहाँ पे टाउन हॉल में होगा, उसके बाद भी और कुछ कार्यक्रम है? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है, टाउन हॉल में स्वागत सभा होगा, एक तो स्वागत समारोह रखा गया, स्वागत सभा होगा, उसके बाद से कार्यालय पर जाएंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्यालय पे, उसके बाद पटना लौट जाएंगे। और जगह जगह पर देखा जा रहा है कि कई जगहों पे आप लोग दमदार तरीके से उनके स्वागत में लगे हुए हैं। हर जगह पूरे जिले में पूरे जोश के साथ, पूरा हौसले के साथ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो भी कार्यकर्ता हैं एकदम रोड पे हैं, लगे हुए हैं उनके स्वागत के लिए, अपनी आँखों को इंतजार कर रहे हैं आँखों। और एक रथ भी तैयार किया जा रहा है, रथ से उनका, रथ से टाउन हॉल ले जाएंगे, ज्वाइंट स्वीट के पास से जो रथ है वहाँ पे, वो रथ पे चढ़ेंगे और टाउन हॉल तक जाएंगे। और 2024 में क्या होगा? 2024 तो जनता बताएगी ना, आप बताइएगा, मीडिया वाले मेरे साथी बताएंगे, जनता बताएगी। ये सिवान की जनता जो है जागरूक हो चुकी है, सिवान की जनता आज आवाज़ दे दी है, बता दी है कि 2024 में क्या होगा। केवल नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। तो ये सीट आपके पास रहेगी या गठबंधन के पास जाएगी? ये अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी, लेकिन जो भी आएगा भाजपा एनडीए परिवार से, भाजपा परिवार से ही आएगा। एक चर्चा चल रही है, हालांकि नारे भी लग रहे हैं कि आप भी एमपी के उम्मीदवार हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कोई उम्मीदवार नहीं है, जनता हमको, कार्यकर्ता हमको जहाँ रखती है वहाँ रहेंगे, पार्टी का जो निर्देश होगा सर्वमान्य है।
चिराग जी आपके गठबंधन के हैं, ऐसे में हीना साहब से लगातार मिलना जुलना और चर्चा हो रही है कि हीना साहब लोजपा में जा भी सकती है, तो क्या बीजेपी का पूरा खेमा हीना साहब के साथ रहेगा अगर लोजपा से आती है तो? ये ऊपर की बात है, कोई भी आए एनडीए का प्रत्याशी जो भी आए, जो तय करे शीर्ष नेतृत्व उसका साहब भी अगर आएंगे तो कोई शीर्ष नेतृत्व जो तय करे, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है कि हीना साहब आएंगी कि ओम प्रकाश भाई आएंगे कि मंगल बाबा आएंगे, ये तो शीर्ष नेतृत्व जानती है, लेकिन हम लोग हम कार्यकर्ता ईमानदारी से तत्परता से अपने परिवार के साथ हैं। मतलब कि पत्ता खोलेंगे नहीं? नहीं पत्ता क्या खोलना है, जो भी है अपने परिवार के साथ है, अपने संगठन के साथ है। मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से 2024 में बनाना है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि व्यास जी के साथ पूरा यहाँ पे काफिला है, थोड़ी देर में सम्राट चौधरी आएंगे और गर्मजोशी के साथ दरौंदा के विधायक व्यास सिंह उनका स्वागत करेंगे और अपने साथ सीवान के टाउन हॉल में लेकर के जाएंगे। सवाल यह है कि सम्राट चौधरी के आने से विपक्षियों में खलबली तो मची हुई है, लेकिन देखना होगा कि वो महागठबंधन को किस अंदाज में आज सीवान के टाउन हॉल से जवाब देते हैं, या बस लोगों की टकटकी लगी हुई। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सीवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सीवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सीवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सीवान का सबसे अलग व खास हबीब हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस भी 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर जेपी चौक अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टेक्ट नंबर 7323045151, 8873478506। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मूर तरवारा रोड सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन लें, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोर तरवारा रोड सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी, कॉल करें 8102091587995598288। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।